भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म उत्सव का पर्व राधा अष्टमी हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस बार 22 सितंबर को यह पर्व मनाया जाएगा। मथुरा वृंदावन के अलावा भोले की नगरी काशी सहित देश के अलग अलग जगहों पर यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर इस बार कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में राधा रानी की पूजा से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। काशी के ज्योतिषाचार्य स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि इस दिन अभिजीत मुहूर्त के साथ सौभाग्य और शोभन योग भी बन रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15वें दिन पर अष्टमी का योग बनता है, जो राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। माता को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुंदर व्रत है। इसको करने से तमाम प्रकार के विकारों का शमन होता है, साथ ही साथ लक्ष्मी माता का आगमन और राधा माँ का जाना, यह ऐसा शुभ परिवर्तन योग बन रहा है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और आर्थिक रूप से जो लोग बहुत परेशान हैं इस समय, वर्तमान में स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही जिनकी, उनके लिए बहुत शुभ संदेश है और उनको पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी और खूब सारा पैसे आएंगे और जीवन में आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो राधाष्टमी का व्रत है, यह जो संयोग बन रहा है, इसमें एक शोभन योग है, एक करण योग है, एक सौभाग्य योग है और एक अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसमें कोई भी काम असफल नहीं होता। ऐसे शुभ मुहूर्त में इस तरह का योग बन रहा है, जो हम सबके लिए बहुत कल्याणकारी है।